श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ। जैसे कि बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास कि हम जैसे मुख्य द्वार पर अगर आप संध्या काल पे या सुबह के टाइम पे आप कौन सा दीपक जलाएं, दीपक जलाने से फ़ायदा क्या होता है, दीपक जलाने से गोल बत्ती जलाएं या लंबी बत्ती वाला दीपक लगाएं, या क्या फ़ायदा होता है इससे जो हम मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं या दहलीज़ को पूछ के हम दीपक जलाते हैं। किसी किसी जगह ऐसी भी प्रथा आएगी जो कि सुबह के टाइम पे आंगन धोए जाता है, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके दहलीज़ को पूजा जाता है, तो ऐसा भी होता है किसी जगह। और जो अगर दहलीज़ को नहीं भी पूछते हैं तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम पे ब्रह्म काल, मतलब सुबह के टाइम पे ब्रह्म टाइम पे मतलब दीपक जलाएं या संध्या काल में दीपक को जलाएं, तो दीपक प्रज्वलित करने से फ़ायदा लाभ क्या होता है आपको, तो आज ऐसे ही कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगी कि दहलीज़ को पूजने से या दीपक को संध्या काल में या ब्रह्म टाइम पे जलाने से मुख्य द्वार पर क्या फ़ायदा होता है, और दाहिने हाथ पे जलाना चाहिए या बाईं तरफ जलाना चाहिए, तो उससे ये भी आपको बताऊंगी। और लंबी बाती लगानी है कि आपको गोल बाती लगानी है। तो अगर आपके घर में आर्थिक समस्या चल रही है या आपका व्यापार व्यवसाय बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल पा रहा, या आपके घर पे कर्जा है, या आपका कोई कार्य अटक जाता है, बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, सफलता हाथ नहीं आती है, या आपके घर में धन आता है, धन आता तो बहुत है लेकिन एकदम खर्चा हो जाता है, या ऐसी जगह लग जाता है जो कि मतलब बरकत नहीं हो पाती है, आने के स्रोत कम हैं और जाने के स्रोत बहुत ज़्यादा है कि मतलब आते ही लक्ष्मी तुरंत ही घर से निकल जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी आज आपको बताऊंगी कि आपने ऐसा क्या खास उपाय करना है कि कैसे करना है। मुख्य द्वार पे एक दीपक जला के आप उससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, क्या क्या आपको लाभ होता है। तो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहती हूँ दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप सबसे पहले वॉच कर सकें। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे कि वजह से मुझे पता चलता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या लाइक किया है, फिर मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मैं भी आपके लिए कुछ खास उपाय के साथ में ऐसी आती रहूँगी, आपको मार्गदर्शन देती रहूँगी, आप मेरी वीडियो से कुछ सीख सकेंगे, अपनी ज़िंदगी और जीवन में कुछ थोड़ा सा बदलाव ला सकेंगे, जिससे कि आपका संघर्ष जो चल रहा होता है ज़िंदगी में, जो परेशानियाँ चल रही होती हैं, आर्थिक समस्या से जो गुजर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा लाभ हो सकेगा और आपकी परेशानी दूर हो सकेगी। तो संध्या काल पे दीपक जलाने से क्या होता है, संध्या काल के में दीपक जलाने का मतलब दोपहर के बाद का जो टाइम होता है उसको भी हम संध्या काल ही बोलते हैं, लेकिन संध्या काल का टाइम जो दीपक का टाइम होता है वो कौन सा होता है, सूर्य अस्त के बाद का टाइम होता है बिल्कुल शुभ, जो कि आपने दीपक जला सकते हैं। और जब भी आप दीपक जलाएं तो कभी कभी क्या होता है, जो आपकी मनोरथ मनोइच्छा होती है, कभी 11 दिन में दीपक जलाने से आपको मनोरथ सिद्ध हो सकती है, आपकी मन की इच्छा पूरी हो सकती है, कभी 21 दिन जलाने से होता है, कभी 41 दिन जलाने से होता है। जब भी आप कोई दीपक जलाएं मुख्य द्वार पे तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जिस वजह से भी आप दीपक जला रहे हैं, उस वजह से आप उस चीज़ को सोच के अपना संकल्प लेके करें कि हम इतने टाइम का ये दीपक जला रहे हैं तो हमें ये लाभ होना चाहिए, जैसे कि आपके घर में धन लक्ष्मी नहीं आती, या आपके घर में धन का संचार एकदम जो स्रोत होता है वो बंद हो गया है, बिल्कुल भी आपकी नौकरी में तरक्की नहीं होती, व्यापार में आपको तरक्की नहीं हो पाती है, तब आपने ये दीपक ऐसे जलाना है। दीपक आपको बता देती हूँ, घर में जब आपको बरकत चाहिए तब आपने करना क्या है, जब भी आप किसी भी मंगलवार कर लें, सोमवार, किसी भी दिन से आप इस कार्य को शुरू कर सकते हैं जो मुख्य द्वार का दीपक लगाना होता है। तो मुख्य द्वार का दीपक होना कैसे चाहिए, आटे का होना चाहिए या किसी मिट्टी का होना चाहिए या किसी धातु का होना चाहिए, वो भी आज आपको बता देती हूँ कि तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा शुभ होगा।
तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है आटे का। अगर आप ताज़ा आटा गूंद के और तुरंत का तुरंत आप दीपक अगर जलाते हैं तो वो समझिए कि बहुत ही शुभ है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप मिट्टी का दीपक जलाइए, मिट्टी का दीपक भी बहुत शुभ होता है, वो भी सही रहता है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, वो भी मार्केट जाके नहीं लाते, तो आपके घर में जो भी जिस भी धातु का है दीपक, पीतल का, तांबे का, जो भी है, चांदी का, जो भी है, आप फिर उस पे ही दीपक जलाएं। अगर आप आटे का लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, तुरंत का तुरंत बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आपने करना क्या है, धन की प्राप्ति के लिए जब आप दीपक को जलाने लगे, आप मान लें कि किसी धातु का जला रहे हैं या मिट्टी के दीपक को जला रहे हैं या आप आटे का जला रहे हैं, आपने उस दीपक को बना लेना है। बनाने के बाद उसके अंदर सरसों का तेल भर दें, सरसों का तेल का दीपक लगा दें। लगाने के बाद उसमें लगाएं बड़ी बत्ती, जो लंबी वाली बत्ती होती है वो आपने बनानी है रुई की, बना के और उस बत्ती को लगा देना है। और जब आप लगाएं तब उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें या एक लौंग डाल दें या एक इलायची डाल दें। अगर धन की प्राप्ति करनी है तब आपने इस दीपक को ऐसे तैयार करना है कि आप थोड़े से काले तिल डाल दें, दो चार दाने, और उसमें या तो एक लौंग फूल वाली डाल दें जो उनकी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप इलायची भी हरी इलायची डालनी होती है उससे भी आप उसे भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक दाना और मोटा अच्छा होना चाहिए, आप वो डाल सकते हैं धन की प्राप्ति के लिए। जब आप इसको बाहर की तरफ से आप दाहिने हाथ पे इस दीपक को लगाएं और जब लगाने लगे दीपक को तभी आपने उसके नीचे आसन एक लगाना है। आसन का मतलब या तो कोई अनाज रख सकते हैं, चावल रख लें या आप उड़द की दाल रख लें या तो काले तिल रख लें, आपकी मर्जी है, जो भी आपको समर्थ है आप वो चीज़ रख सकते हैं। थोड़े से चावल रख लें, रखने के बाद वो दीपक उसके ऊपर रख दें, चार पांच दाने डाल दें, 11 दाने डाल दें, इसका कोई नहीं है कि बहुत सारा ढेर लगा दें, जितना आपको सामर्थ्य है उसके हिसाब से थोड़ा सा चावल आसन दे दें उस दीपक को, और देने के बाद उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। ऐसा कर देने से, क्योंकि संध्या काल में सूर्य अस्त के बाद अगर आप ये दीपक जला देते हैं, आप संकल्प करें कि आप या 11 दिन का जलाएंगे, 21 दिन का जलाएंगे या 40 दिन का या 41 दिन का, जैसा भी आपको अच्छा लगे, तो लगातार आपने पूरा टाइम रोज़ एक भी दिन का गैप नहीं करना, तुरंत ही तुरंत आप रोज़ ही हर दिन दीपक को प्रज्वलित करें। क्योंकि जब संध्या काल के बाद जिस मुख्य द्वार पर ये दीपक लगा होता है उस घर में माता लक्ष्मी वास जरूर करती हैं, क्योंकि संध्या काल पे धरती पे माता लक्ष्मी आती हैं भ्रमण करने, और जिस घर पे मुख्य द्वार पर ये दीपक लगा होता है उस घर में प्रवेश कर लेती हैं माता रानी, और उस घर में सालों साल कभी भी धन की कमी नहीं हो पाती, क्योंकि उस घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी जो भी पैसा आता है उसमें बरकत होने लगती है। तो इस तरीके का आप मनोरथ सिद्ध करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए ये दीपक जला सकते हैं मुख्य द्वार पर। दूसरा, अगर आपके घर पे किया कराया है नजर दोष है और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं और आपको समझ नहीं आता कि आपके घर में तंत्र मंत्र कर दिया है किसी ने, या आपके घर पे किसी का नज़र जादू टोना है या कोई भी ऐसी परेशानी है, तब आपने करना क्या है, संध्या काल पे या तो भ्रमण टाइम पे, भ्रम टाइम कौन सा होता है, सुबह 4:30 बजे के बाद से भ्रम का टाइम होता है जिस टाइम सूर्य उदय होने लगता है, तो 4:30 बजे के टाइम आप नहाए, करीब नहा के और आपने अपनी दहलीज पे दीपक को जला सकते हैं, या तो शाम को सूर्य अस्त के बाद आप इस दीपक को जला सकते हैं। अगर आपके घर में किया कराया नज़र दोष है तब आपने करना क्या है कि एक चौमुखी दीपक आपने बनाना है, या तो चौमुखी दीपक आपके पास होना चाहिए, चाहे मिट्टी का, चाहे तो आप किसी धातु का ले सकते हैं, या तो फिर नहीं है तो आप आटा गूंदें, गूंद के उसी टाइम ही दीपक आप बना लें। बनाने के बाद उसमें सरसों का तेल भर दीजिए, चारों दिशाओं की तरफ ऐसे 4 बत्ती आप लगाएंगे, चौमुखी दीपक में 4 बत्तियां लगती हैं,
मतलब दो बत्ती बनाएंगे तो चारों तरफ हो जाएगा। उसके बाद आप उसे बना लें। बनाने के बाद उसमें करना क्या है कि उस दीपक को बाहर की तरफ से दाहिने हाथ पे जलाना है, बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से नहीं, बाहर मुख्य द्वार पर जलाना है। जब आप जलाने लगे तभी आपने एक लोटा जल बनाना है, क्या, गंगा जल और नमक का सेंधा नमक एक चुटकी डाल देना है। डाल के दहलीज के ऊपर आप उस जल को छिड़कावा दे दें। छिड़कावा देने के बाद आपने वो दीपक वहाँ पर रख देना है। रखते हुए आपने अपने घर में काली सरसों रखनी है। काली सरसों लाएं, लाके उसमें 21 दाने काली सरसों के डाल दें दीपक में। डालने के बाद वो दीपक जलते रहने देना है और इतना उसमें तेल डालें कि वो जले, मतलब एक घंटा दो घंटा जो भी है, जितना टाइम जलेगा उतना नेगेटिविटी एकदम दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ जाएगी। क्योंकि जब ये संध्या काल पे दोनों शक्तियाँ चल रही होती हैं, दोनों ही मतलब शक्तिशाली हैं और दोनों ही का प्रभाव रहता है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है और चाहे तो वो पॉजिटिव एनर्जी है। अगर जिस घर पे ये संध्या काल पे या ब्रह्म टाइम पे ये दीपक जलता है तो उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी एकदम ही प्रवेश कर लेती है और सब कुछ सकारात्मकता फैल जाती है, घर में वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अगर जिस घर में पहले से ही काली शक्तियों का वास है और पहले से ही किया कराया है, नज़र दोष है, अगर उस घर पे दीपक नहीं जलता तो समझे कि पहले से ही नेगेटिव है, फिर और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जब घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ आ जाती है तो वो क्या करती है कि सबसे पहले आपके घर में धन आने का स्रोत बंद कर देती है। आप अचानक से बीमार होने लगेंगे, बीमारियां फैल जाएंगी, मतलब कि जो पैसा आएगा वो भी बीमारी में जाएगा। आप जिस कार्य को हाथ लगाएंगे वो एकदम कार्य बंद होने लगेंगे, एकदम वो कार्य अड़चन आने लगेगी। आज सोचेंगे कि ये काम हो जाएगा, इसमें धन की प्राप्ति होगी, ऑटोमेटिक वो काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, वो कार्य बन नहीं पाता। तो इसलिए ऐसी नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल दूर करने के लिए ये दीपक, चौमुखी दीपक जरूर जलाएं काली सरसों डालकर, और ये संध्या काल में जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उस टाइम पे दोनों, सुबह टाइम पे भी दोनों शक्तियों का प्रभाव रहता है और इस टाइम पे भी, शाम के टाइम पे भी रहता है, संध्या काल पे भी। लेकिन जब आप दीपक जला रहे होंगे तभी आपने हनुमान बालाजी का, महाराज का, आपने कोई भी मंत्र बोल देना है या तो फिर आपने उनका नाम ही ले देना। तो जैसे आपने तंत्र मंत्र के लिए दीपक जलाएंगे ऐसे ही आप अपने पितर को शांत करने के लिए भी दीपक जला सकते हैं संध्या काल पे। संध्या काल पे आपने दीपक देसी घी का जलाना है और जब भी आप अपने पितरों के लिए जलाने लगे, जलाएं मतलब मुख्य द्वार पर दीपक, तभी आपने अपना नाम और गोत्र बोलकर और जिन भी पितरों के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कि वो आपके घर में धन धान्य भरें और आपकी मतलब घर को बढ़ाएं, व्यापार को बढ़ाएं, इस तरीके की प्रार्थना करते हुए आपने दीपक जलाना है। जब भी आप चौखट पे दीपक जलाएंगे तो ये प्रार्थना करते ही आपके जो चौखट पे जो पितर होंगे वो एकदम पितर शांत होने लगेंगे और साथ ही साथ आपका बढ़ावा करना शुरू कर देंगे, चाहे व्यापार नौकरी और चाहे तो आपके घर में धन लक्ष्मी की। तो पितर भी एक देवी देवताओं की तरह ही होते हैं, वो भी शांत हो जाएंगे। और जब भी आप जलाएं तो याद रखें कि अपना नाम और गोत्र लेकर, नाम लेकर तब इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो ऐसे करके आपने, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे से आप दीपक जला सकते हैं अपने मुख्य द्वार पर और इनसे क्या फ़ायदा होता है और क्या लाभ होता है। तो इस तरीके का मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर अपने घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करें और पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मकता अपने घर में लेके आएँ और अपने घर का वातावरण चेंज करें। और जो भी आपके घर में जो भी समस्या चल रही होगी, चाहे तंत्र मंत्र की, चाहे आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, धन की समस्या चल रही होगी, धन में बरकत नहीं हो रही, धन आता है लेकिन खर्च हो जाता है, बीमारियों में चला जाता है, ये सब चीज़ें, परेशानी जो भी आप झेल रहे हैं, आर्थिक समस्या की, आर्थिक तंगी की, वो सब कुछ दूर हो जाएगा और आपके घर में और जीवन में बहुत सा बदलाव आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके का दीपक और कैसे जलाना है। तो ऐसे ही दीपक को जलाएं और अपनी, आपके घर में और ज़्यादा ही आर्थिक समस्या का आप
परेशानी उठा रहे हैं, या आपके घर में बिल्कुल भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, या आप किसी भी व्यापार में हाथ लगाते हैं बिल्कुल आपको सफलता नहीं मिलती और धन बिल्कुल भी नहीं घर आता, तब आपने करना क्या है सफलता के लिए। सफलता के लिए अगर मान लो आप गुरु, मतलब आप धनु राशि के हैं या आप मीन राशि के हैं, तो आपने आपको अपने गुरु तेज करने के लिए क्या क्या आपको उपाय करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर धनु और मीन राशि के हैं, आप ध्यान से सुनना कि अगर आपके आपको धन की प्राप्ति करनी है और आपको बिल्कुल भी सफलता हाथ नहीं आती है, कि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं या किसी व्यापार के लिए जाते हैं, आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगता, आप जैसा चाहते वैसा नहीं हो पाता, तो आपने करना क्या है कि आपने छोटे छोटे से कोई भी वृक्ष, जो वृक्ष जैसे मनी प्लांट हो गया, आप पार्क का आप लगाएं, आप मार्ग का, या आप जैसे कि तुलसी का लगाएं पौधा, मतलब ऐसे पौधे लगाने जो कि आपको धन का मतलब स्रोत खोल दें, ऐसे आप कोई भी पौधा, जैसे कि आप मैंने आप मार्ग का बताया, या आपको मनी प्लांट का बताया, तुलसी का बताया, या आप गुड़ैल का फूल का लगा लें, या आप मतलब कि ऐसा लगाएं जो कि मतलब जो धन से धन के स्रोत खोलता है, इस तरीके के आप मैंने आपको चार बताए। अगर आपको कोई पौधा ना समझ आए तो मैंने जो भी आपको चार पौधे बताए वो आप पौधा अपने घर में लगाएं पूर्व दिशा की तरफ, लगाने के बाद आप उस पर जल जरूर चढ़ाएं, थोड़ा एक लोटा छोटा जल लें, और जब भी आप किसी काम के लिए निकलें, अच्छे काम के लिए, जिस चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तभी आपने सुबह नहा धो के बिल्कुल जल चढ़ा के जाना है और पूजा अर्चना करें, और साथ में आपने विष्णु सह नाम का पाठ भी ज़रूर करना है। अगर आपको नौकरी या आपने व्यापार में सफलता चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, तो विष्णु सह नाम का पाठ ज़रूर करें, या हरिवंश, आपने हरिवंश पुराण का आपने ज़रूर पाठ करना है। और आपको क्या चढ़ाना है मैं भी आपको बता देती हूँ, धर्म स्थल पे आपने दान क्या करना है, दान में आपने स्वर्ण, जैसे कि थोड़ा सा टुकड़ा, रत्ती भर, जरा सा मामूली सा, ध्यान से सुनिए, स्वर्ण, हल्दी और पीले फूल चढ़ाने, चने की दाल चढ़ानी है, और केसर का आपने तिलक लगाना है नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर तिलक लगा के तब आप बाहर निकल के जाइए, और भैरव बाबा पे आपने शराब चढ़ानी है। अगर आप इतना सा कार्य कर देते हैं तो फिर सोचिए कि आपका व्यापार व्यवसाय बिल्कुल अच्छे से चलने लगेगा, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, और आपका जो इंटरव्यू रह जा रहा है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और धन लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी। तो ये बहुत छोटे से उपाय हैं जो मैंने आपको बताए, ये काम करके उसके बाद देखना आपको ज़रूर 100% आपको फ़ायदा होगा। तो ये छोटे छोटे से खास उपाय करके अपनी ज़िंदगी और जीवन में बहुत सा बदलाव लेके आए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलती हूँ कुछ खास उपाय के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय, नमस्ते। हर हर महादेव।